डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्रिमिनल अबॉर्शन एंड लॉ। क्रिमिनल अबॉर्शन, आपराधिक गर्भपात। क्रिमिनल अबॉर्शन को पढ़ने के पहले हम जानेंगे गर्भपात या अबॉर्शन की परिभाषा। अबॉर्शन इज डिफाइंड एज एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एट एनी स्टेज बिफोर कन्फाइनमेंट। शिशु के जन्म के पहले किसी भी अवस्था में, यानी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में, किसी भी अवस्था में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का बाहर निकल जाना या निकाल देना एबॉर्शन कहलाता है। नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो एबॉर्शन की परिभाषा दी है, इसके अनुसार एज प्रेगनेंसी टर्मिनेशन प्रायर टू 20 वीक्स गेस्टेशन। 20 वीक्स मीन्स 5 मंथ की गर्भावस्था में या उसके पहले यदि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे अबॉर्शन कहेंगे। या फिर 500 ग्राम से कम वजन का फीटस का बॉर्न जन्म होता है तो उसे भी एबॉर्शन की श्रेणी में आता है। जो एबॉर्शन की डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉज वेरी होती है। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी 3 टर्म्स आते हैं, एक एबॉर्शन आता है, दूसरा मिसकैरेज आता है और तीसरा प्रीमेच्योर डिलीवरी आता है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एबॉर्शन का मतलब क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। मिसकैरेज मीन्स एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। और प्रीमेच्योर डिलीवरी रेफर्स टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस आफ्टर 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर टर्म, यानी 9 मंथ के पहले और 7 मंथ के अंदर या 7 मंथ में जो डिलीवरी हो जाती है एक्सपल्सन, उसे हम प्रीमेच्योर डिलीवरी कहेंगे। अब क्रिमिनल अबॉर्शन एंड लॉ। क्रिमिनल अबॉर्शन की जो परिभाषा है, एनी अबॉर्शन विच डज नॉट कम अंडर द रूल्स ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इज कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल अबॉर्शन। कोई भी अबॉर्शन जो कि MTP एक्ट के अंतर्गत कंसीडर नहीं होता है, उसे हम क्रिमिनल अबॉर्शन कहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज़ एन अनलॉफुल एक्सपल्शन और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एट एनी स्टेज ऑफ गेस्टेशन। गर्भावस्था की किसी भी अवस्था में नियम विरुद्ध प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालना, जो कि अनक्वालिफाइड पर्सन के द्वारा या क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, और यह कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है, पनिशेबल है। मोटिव फॉर क्रिमिनल अबॉर्शन, ऐसे क्या कारण होते हैं कि क्रिमिनल अबॉर्शन की आवश्यकता पड़ जाती है? अनमैरिड गर्ल्स एंड विडोज मे टाइम्स रिसोर्ट टू क्रिमिनल अबॉर्शन व्हेन चाइल्ड इज प्रोडक्ट ऑफ इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनमैरिड और गर्ल्स और विडोज के द्वारा क्रिमिनल अबॉर्शन की कंडीशन बन सकती है, जबकि इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से चाइल्ड हुआ हो। अ पुअर फैमिली में प्रोक्योर क्रिमिनल अबॉर्शन टू अवॉइड द एडिशनल ऑफ मेंबर ऑफ टू फैमिली। फीमेल पेटिसाइड, दैट इज किलिंग ऑफ फीमेल फीटस। फीमेल फीटस को किल करने के लिए भी क्रिमिनल अबॉर्शन की कंडीशन बनती है। इन इंडिया सम सोसाइटीज़ आर कीन टू हैव मेल चाइल्ड। कुछ सोसाइटीज़ में मेल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए अब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन, यदि क्रिमिनल अबॉर्शन किया जाता है तो किस किस IPC के तहत पनिशेबल है वो, और किस किस कंडीशन में। सेक्शन 312 IPC, सेक्शन 312 के तहत
यदि जिस महिला का एबॉर्शन किया जा रहा है उसके कंसेंट से मिसकैरेज होता है या कराया जाता है, उस कंडीशन में वो महिला, उसका हस्बैंड और जिनके जिसके द्वारा वह एबॉर्शन किया जाता है, ये सभी पनिशेबल होते हैं। और इसमें जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 साल की 3 इयर्स या फाइन या बोथ हो सकता है। 3 साल की सज़ा, अर्थदंड या दोनों हो सकते हैं। यदि क्विक है बियॉन्ड 20 वीक्स, यदि 20 वीक्स यानी 5 मंथ से ऊपर या 5 मंथ तक की प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में क्विक का मतलब होता है स्पंदन, जब महिला खुद उस चिल्ड्रन के मूवमेंट्स को फील कर पा रही है। उस कंडीशन में यदि महिला के कंसेंट से मिसकैरेज किया जाता है तो यहाँ पे सज़ा बढ़ जाती है। यहाँ पे 7 साल की सज़ा है और फाइन है। IPC 313 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट कंसेंट ऑफ लेडी, 312 में महिला का कंसेंट था, 313 में यदि महिला के बिना कंसेंट के मिसकैरेज किया जाता है तो इसमें पनिशमेंट भी ज़्यादा है। इसमें अप टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की सज़ा या फाइन बोथ हो सकते हैं। 314 IPC डेथ कॉज बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज इफ एक्ट डन विदाउट वोमेंस कंसेंट, यदि मिसकैरेज के दौरान महिला की डेथ हो जाती है तो IPC सेक्स 314 में से डिफाइन है। और इसमें जो पनिशमेंट है, यदि महिला का कंसेंट नहीं लिया गया है तो सज़ा 10 लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की सज़ा और फाइन है। और यदि महिला का कंसेंट लिया गया है तो उस कंडीशन में 10 साल की सज़ा और फाइन है और महिला की डेथ हो जाए, उस कंडीशन में IPC 314 है। IPC 315 एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, IPC 315 में यदि ऐसा प्रयास किया जाए कि चिल्ड्रन जो चाइल्ड है वो जीवित पैदा ना हो पाए या पैदा होते हुए उसे डाई कर दिया जाए, उस कंडीशन में जो पनिशमेंट है वह 10 साल की सज़ा और फाइन है। उसमें IPC 315 लगती है। 316 IPC 316 IPC कॉजिंग डेथ टू क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाई एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन। 316 IPC में यदि क्विक यानी के जिसमें कि 5 मंथ या उसके ऊपर की प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में यदि एबॉर्शन कराया जाता है तो उसमें IPC 316 लगती है। यह कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक पर हत्या का केस होता है और इसमें 10 साल की सज़ा और फाइन होता है। सेक्शन 511 अटेम्प्टेड क्रिमिनल एबॉर्शन, यदि आपराधिक गर्भपात की कोशिश की गई, अटैम्प्ट किया गया, उस कंडीशन में 3 साल की सज़ा है। और यदि बियॉन्ड क्यूकनिंग है यानी कि वही 20 वीक्स का या उससे ज़्यादा का है तो उसमें भी पनिशमेंट भी बढ़ जाएगा, 7 इयर्स का पनिशमेंट है, जेल है 7 इयर्स की। अब जो नेचुरल एबॉर्शन और क्रिमिनल एबॉर्शन में जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिए हैं। यदि शॉर्ट नोट में यदि क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट में हम इसको कवर कर सकते हैं। जो नेचुरल एबॉर्शन होता है ये स्पॉन्टेनियसली होता है, ये स्वतः हो जाता है। क्रिमिनल एबॉर्शन आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल इंड्यूस किया जाता है कृत्रिम रूप से। कॉजेज नेचुरल एबॉर्शन के जो कॉज होते हैं वो नेचुरल होते हैं। जो क्रिमिनल एबॉर्शन होता है वह ड्रग से, मैकेनिकल वायलेंस या दोनों से हो सकता है। जो नेचुरल एबॉर्शन होता है वो मोस्टली जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन होता है, और जो क्रिमिनल एबॉर्शन है वो किसी भी स्टेज में हो सकता है। नेचुरल एबॉर्शन कॉमनर फॉर मेल चाइल्ड
जो क्रिमिनल अबॉर्शन होता है वो कॉमनर फॉर फीमेल चाइल्ड होता है, नेचुरल अबॉर्शन नॉट पनिशेबल है, और जो क्रिमिनल अबॉर्शन होता है वह इंटेंशन क्रिमिनल इंटेंशन पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 312 316 IPC। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।